हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ यहाँ पे मेकअप करने। काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा मैं मेकअप करूँगी क्योंकि मैं बहुत मोटिवेटेड थी आज, और वो मैं क्यों थी वो आपको जल्दी मैं बताऊँगी। मुझे आज एक पीआर पैकेज आया था लेंसेज का, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो एंड ट्राई ऑन बनाई है वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली थी अपने टू फेस सेट की। ये क्रिसमस इन द सिटी लिमिटेड एडिशन मेकअप कलेक्शन अनबॉक्सिंग आपके साथ करूंगी, और इसमें से जो मेकअप निकलने वाला है वो आज मैं मेकअप करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये मेकअप किट और मेरा मेकअप जो आज मैं करने वाली हूँ अच्छा लगे। सो लेट्स मैं ओपन कर रही हूँ। ये मैंने सेफोरा से लिया है कुछ ही दिन पहले, बट मुझे चांस नहीं मिला मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना सकूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग और ट्राई ऑन करने वाली हूँ। सो इस पे इन्होंने इसके अंदर जो है वो है 2 आई शेडो पैलेट और एक फेस पैलेट है, जिसमें आपको ब्लश ऑन हाइलाइटर वगैरह मिल जाएगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ मिनी मस्कारा। और ये जो मस्कारा है ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, बेटर देन सेक्स। ये मेरे पास फुल साइज़ मस्कारा अवेलेबल है ऑलरेडी। तो ये लिमिटेड एडिशन में मुझे ये 3 चीज़ें मिल रही। मेरे पास पहले पैलेट है वो चॉकलेट गोल्ड पैलेट है, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इसको मिस नहीं किया। मैंने कहा ये भी मैं ज़रूर लूँगी इसमें जो मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं। सो आई रियली वॉन्ट टू ट्राई द न्यू एडिशन पैलेट जो कि क्रिसमस इन द सिटी किट में है। तो लेट मी ओपन। सा मिनी मस्कारा इसके अंदर है, इन्होंने दिया ट्रेवल साइज, और ये बहुत अच्छा है। मैं पहले भी तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस क्रिसमस इन रोम। इन्होंने इसका नाम जो दिया है वो क्रिसमस एंड रोम दिया है, और इतनी प्यारी पैकेजिंग दी है। हॉलीडे गिफ्ट सेट है और ये लिमिटेड एडिशन। ब्यूटीफुल इट इज़। ये देखो कि कितने पिगमेंटेड इसके ब्लशर्स हैं और हाइलाइटर हैं। और मैं इसके स्वैच नहीं करती हूँ, मैं आपको इसको मेकअप करके ही दिखाऊंगी। आई लव क्रिसमस इन पेरिस। दीज आर all nude and highlighter or shimmer colors in this palette. And the third one is Christmas in Los Angeles. So उसकी ये बहुत ही cute सा color है, और इसके अंदर जो color है वो भी बहुत ज़्यादा cute है। And there it is. आप लोगों ने अभी तक अपनी ये limited edition Two Face कि ये किट नहीं ली है तो आप लोग भी अपनी ये किट ग्रैब करें सेफोरा से। और सेफोरा में अभी 20% ऑफ चल रहा है। ये मैंने $75 की ली है, बट अभी इसके ऊपर 20% डिस्काउंट चल रहा है, और सेफोरा कलेक्शन के ऊपर 30% चल रहा है। तो भागें और जाएं, अपने लिए लेके आएं। अभी आपको रिजल्ट भी इसका दिखा देती हूँ कि कितना मज़े का है। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ आई मेकअप से। आईब्रो पेंसिल मैंने सुबह भी लगाई थी, बट मैं इसको थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। और जो आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ कर सब कुछ गिरता ही जा रहा है। आईब्रो पेंसिल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ बिलियन डॉलर ब्यूटी की। बिलियन डॉलर ब्रॉ है ये, और इट्स वेरी गुड। ये मेरी एक ख़त्म हो चुकी है और मैं दूसरी लेके आई हूँ। एंड ये मुझे बॉक्सी चार्म में मिली थी। ये पिंकी रोज़ की हिप हॉप बेस है, आई बेस है, और इसको मैं अप्लाई करूँगी आई शेडो अप्लाई करने से पहले अपनी आईलिड के ऊपर, और फिर इसके ऊपर मैं अपना आई शेडो अप्लाई करूँगी। एंड आई जस्ट लव द कलर ऑफ माई कॉन्टैक्ट लेंसेज। और ये मैंने लेंसेज आपको बता दिया है कि ये DTL के लेंस वेरी कंफर्टेबल। अगर आप लोग ये मंगवाना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो क्रिसमस इन पेरिस वाली किट यूज़ कर रही हूँ, और ये टू फेस की है, जो जैसे कि मैंने आपको दिखाई है इसकी अनबॉक्सिंग करके। इसमें ये सब कलर्स हैं, और इन्हीं को यूज़ करके मैं अपना आई लुक क्रिएट करूँगी। सबसे पहले मैं चॉकलेट क्रोसेंट कलर ले रही हूँ, और इसको अपनी आई के ऊपर पैक कर लिया है ब्रश के ऊपर, वो है चॉकलेट क्रोसेंट। और इसको मैं पैक करने वाली हूँ अपनी आईलिड के कॉर्नर पे, लाइक दिस। सो पिगमेंटेड। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे टू फेस पैलेट्स बहुत पसंद हैं, पिगमेंटेड हैं, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी इसकी स्मेल है, और ब्लेंड भी बहुत मज़े के होते हैं। और अगर आप लोगों ने लेनी है ये वाली किट जो जिसे मैं अपनी लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो सेफोरा पे जाके आप ले सकते हो, उधर ऑफ़र चल रही है। बहुत कम ऑफर्स लगती हैं, तो मिस मत करें। मैंने तो बहुत ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा मेकअप ले लिया। कलर पिगमेंटेशन चेक करें आप। अब मैं इसके एजेस को ब्लेंड कर दूंगी। ओके, जो मैंने चॉकलेट क्रोसेंट कलर पेस्ट किया है, पैक किया अपनी आई कॉर्नर करूंगी और इसके कॉर्नर एजेस को ब्लेंड करूंगी ताकि ये शार्प जो दिख रहे हैं ये बिल्कुल ना रहे, एकदम स्मूथ लुक आ जाए। पैलेट्स बहुत अच्छी लगती हैं जिनके साथ मिरर आता है ताकि आप पैलेट पकड़ के ही साथ शेड पिक कर रहे हो और साथ आप अप्लाई कर रहे हो, ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसकी जो दूसरी पैलेट मेरे पास है उस पर शायद ये हॉलीडे किट बनाई है इन्होंने, इसीलिए इसके अंदर इन्होंने मिरर्स नहीं दिए। सो इसकी पैकिंग भी थोड़ी सी हार्डबोर्ड टाइप की है बट स्टिल इट्स गुड। अभी से मुझे बहुत पॉप सी आई लुक लगने लग गई है, इट्स अ हॉलीडे लुक, तो इसको हम लोग पॉप ही बनाएंगे। अब मैं अपनी आई लिड के ऊपर शिमर शेड अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैंने अपने ब्रश के ऊपर सिंपली मैजिकल कलर पिक कर लिया है, मैं इसको अप्लाई करूँगी। वैसे मुझे फिंगर से शिमर शेड लगाने पसंद है बट यहाँ पे मैं पहले ट्राई करना चाह रही हूँ ब्रश से क्या पिगमेंटेशन आती है। ओके, तो दूसरी साइड पे मैं थोड़ा सा फिंगर के साथ अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि कितना डिफरेंस लगता है आई शेड ब्रश से लगाने में और फिंगर से अप्लाई करने में। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहना कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है और बाकी जो आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहा करो ना, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो ताकि मैं न्यू वीडियोस जल्दी जल्दी लेके आया करूँगी। मुझे कमेंट्स में बताना इफ़ यू आर एंजॉइंग माय मेकअप वीडियोस, तो मैं मेकअप वीडियोस भी ज़्यादा से ज़्यादा डालूंगी। यहाँ पे मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब मैं इसको फिनिशिंग कर लूँ अब मैं इसकी। और ओके, तो अंडर आई मैं अपना मेबेलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप लोग मेरी स्किन केयर रूटीन देखना चाहते हो। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ आप लोगों के साथ स्किन केयर अपनी शेयर करना भी। मैं बहुत ज़्यादा फैंसी स्किन केयर शेयर नहीं करूँगी, मैं बहुत सिंपल वाली स्किन केयर अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ जल्दी। एंड सर्दियों में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और ड्राई भी हो जाती है क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, तो बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाती है। तो मैं किस तरह से केयर करती हूँ मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। सो यहाँ पे कंसीलर मेरा लग चुका है और आज बाहर मौसम बहुत अच्छा है, तो जो ब्राइटनेस मेरे फेस पे दिख रही है ना वो थोड़ी लाइट की वजह से भी है। तो अब मैं अपना लोअर लैश के ऊपर आई शेडो लगाऊंगी और फिर उसके बाद मस्कारा अप्लाई करूँगी, बेटर देन सेक्स। इसी का मस्कारा लगाऊंगी, लैशेज नहीं लगाऊंगी। मस्कारा की तरफ आईलाइनर भी मैं सोच रही हूँ मैं अप्लाई नहीं करूँ ताकि मेरा मस्कारा और मेरा आई शेडो जो टू फेस पैलेट का मैंने किया है वही प्रोमिनेंट हो। तो ये मस्कारा जो इनकी किट में से निकला है ट्रैवल साइज मस्कारा बेटर देन सेक्स जो फेस का है, और ये वाला जो मेरे पास ऑलरेडी था इसकी साइज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एंड मैं अभी वाला अप्लाई कर रही हूँ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप लोग मेरे मस्कारा कलेक्शन देखना चाहते हो, आप लोग अगर मेरी आईलाइनर कलेक्शन देखना चाहते हो, क्योंकि इन डेज़ में मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप लिया है तो मेरे पास काफ़ी कलेक्शन हो गई है। ओके, तो मैं ये मस्कारा भी यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो डिफरेंस इस वाली लैश का, किस तरह से ये बड़ी बड़ी दिख रही है। और ये अभी मैंने लगाना है, बहुत ही टाइनी है, बहुत ही पितकू सा है, बहुत ही क्लोजली मुझे हाथ। ओके, तो मुझे तो लाइनर के बिना भी बहुत अच्छी लुक लग रही है आई मेकअप की, बट अगर आप लोग लाइनर अप्लाई करना चाहते हो तो आप सेम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो और लाइनर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो फेस पे मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र, दिस क्रीम विच इज़ कॉन्फिडेंस इन अ क्रीम, आई टी की है ये और ये बहुत अच्छी है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट आई लाइक इट। थोड़ी सी लगा लेते हैं। ओके, तो मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड करूंगी। इग्नोर माय बाल क्योंकि मेरा आज शैम्पू डे नहीं था तो मैंने बिल्कुल प्लान नहीं था मेरा मेकअप करने का, बट मेरा अचानक से प्लान बन गया क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मेकअप करने का और अनबॉक्सिंग करने का। तो मेरा आज PR पैकेज आया था एक, तो मैंने उसकी वीडियो बनाने के चक्कर में सोचा कि चलो आप मैं मोटिवेट तो हुई हूँ तो मेकअप भी कर लेती हूँ। क्रीम अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लॉरा कैलर का ये प्राइमर, और ये मॉइस्चराइज प्लस प्राइमर है। जैसे कि मैंने आपको बताया है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखनी पड़ती है, तो इसको मैं ब्लेंड करूँगी अपने ब्रश से, ब्रश की मदद से। ओके, और कोशिश करें अगर आपने आई मेकअप पहले करना है तो मॉइस्चराइज़र पहले लगा के रखें ताकि 15 टू 20 मिनट्स वो स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉर एवर की अल्ट्रा HD फाउंडेशन और इसमें मेरा नंबर ये नहीं है, इट्स अ डार्क टोन में मेरे पास आ गया है। और आई डोंट नो, मैं इतना बोलती हूँ कि मुझे ये टोन डार्क टोन नहीं चाहिए, बट मेरी बहुत ज़्यादा दुश्मनी चल रही है उनके साथ जिनसे मैंने ये परचेज़ किया है सेफोरा, और वो मुझे हमेशा डार्क टोन देते हैं। तो उससे पहले मैं ये अप्लाई कर रही हूँ इंस्टा फिल्टर रेवलॉन की, और ये थोड़ी सी लाइट टोन है और ये दोनों को मिक्स करके मैं लगा रही हूँ। आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट वो विंटर्स के लिए बहुत बेस्ट है। ओके आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी लिक्विडी और क्रीमी है। ओके तो ये मैं दोनों मिक्स करके ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंड करके मैं वापस ये तो फाउंडेशन मेरी हो चुकी है ब्लेंड अच्छे से। ये तो टू फेस का ही मैं कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, बॉर्न दिस वे एंड सम ऑन नोज एंड दिस पार्ट। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ही। और ओके तो मैंने कॉन्टोरिंग को ब्लेंड कर लिया है अपने ब्यूटी स्पॉन्ज से। और नाउ बारी आती है अपने फेस पैलेट को यूज़ करने के लिए, क्रिसमस इन रोम, और इसमें से मैं यूज़ करूँगी सभी कलर्स थोड़े। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लश ऑन ब्रश ले रही हूँ, बल्कि मैं ये यूज़ करती हूँ जिससे पता चले पिगमेंटेशन का। तो यहाँ पे मैं अपना मोर्फी का ब्रश ले रही हूँ, एंगल ब्रश है ये, और इससे मैं पिक करूँगी अपना दिस वन। ओके और इसको मैं यहाँ पे स्टैम्प करूँगी। ओ माय गॉड, नो प्लेस लाइक रोम इज़ अमेजिंग। अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है और क्या पिगमेंटेड दिख रहा है ब्लश ऑन। मैंने इतना प्यारा ब्लश ऑन काफ़ी दिनों से नहीं लगाया था, तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है ये ब्लश ऑन लगा के। इट्स सो अमेजिंग, सो 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 लवली। एक ही कलर ने अपना रिजल्ट दिखा दिया है। दिस वन मैंने यूज़ किया है नो प्लेस लाइक रोम, बाकी मैंने ट्राई नहीं किए हैं, ये वाला मैंने ट्राई किया है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई। यहाँ पे मैं अपना ये छोटू सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ ब्लश हाइलाइटर के लिए, और हाइलाइटर पैलेट में यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सियर का, और इसमें से मैं सब शेड अप्लाई करूँगी। तो अपने ब्रश के ऊपर मैंने पिक कर लिया है शेड एंड आई विल अप्लाई ओवर दिस। थोड़ा सा सनलाइट पड़ जाएगी तो ज़्यादा शाइन करेगा। आज की वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं मेकअप करने लगी थी, तो मैं ओवर एक्साइटेड हो गई हूँ, तो मैंने वीडियो लंबी कर दी है। बट नेक्स्ट वीडियो मैं शॉर्ट ही बनाऊंगी मेकअप की, डोंट वरी। मैं ज़्यादा नहीं उसमें बातें करूँगी, छोटी बनाऊँगी, बट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को आज की वीडियो कैसी। तो मैं नेक्स्ट जो मेकअप वीडियो डालूंगी मैं आप लोगों की डिमांड पर डालूंगी कि आप लोग कितने मेरा मेकअप वीडियो देखना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में बताना, मोटिवेट मी। और आज का मेकअप तो था हॉलीडे है लिपस्टिक की, तो अब चलते हैं लिपस्टिक की तरफ। मैं ये मिलानी का कॉम्बो यूज़ कर रही हूँ। ये नंबर जो है 27 शॉप है, और इसकी पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे हो कि इतना लाइट कलर क्यों लगा रही हूँ, आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल डे लुक मेकअप, और गेम चेंजर जो होता है वो आपका लिपस्टिक भी होता है। जब मैंने लाइनर और लैशेज नहीं लगाया तो मैंने सोचा था मैं लिपस्टिक थोड़ा ब्राइट कलर लगाऊंगी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि आपको दो लुक दिखा दूँ। सो दिस वन इज़ सॉफ्ट ग्लैम लुक। ओके और अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी रेड, और फिर आप लोग बताना कि कौन से लिपस्टिक लगा के लुक ज़्यादा अच्छी लगी। रेड टोन, और यहाँ पे मेरा मेकअप हो गया है ओवर ग्लैम, और वो था सॉफ्ट ग्लैम, और यहाँ पे फुल ग्लैम हो गया है। और आई होप आप लोगों को ये लुक भी अच्छी लग रही होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को आज का मेकअप किस तरह का लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा। और मुझे सपोर्ट करने का थैंक यू सो मच, और मुझे इतना ज़्यादा सुनने का भी थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आज की। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।